الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज़्यादा पसंद अमल जो ईदुल अज़हा के तीन दिन है उसके अंदर कुर्बानी करने से ज़्यादा अफजल तरीन अमल, पसंदीदा अमल अल्लाह की नज़र में कुर्बानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ज़िलहिज्जा का जो महीना है वो हज का भी महीना है और उसी हज के अंदर उन्हीं दिनों के अंदर कुर्बानी के अमल को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। कुर्बानी क्या है, कुर्बानी क्यों करते हैं, कुर्बानी वाजिब किस पर है, कुर्बानी किन जानवरों की जाएगी और उन जानवरों की खसूसियात क्या हो। पहली चीज़ कि कुर्बानी वाजिब किस शख्स पर है, तो हमें और आपको याद रखना चाहिए कि कुर्बानी का जो निसाब है वो जो ज़कात का निसाब है वही है। 52 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना हो या उसके बकद्र कीमत मौजूद हो आपके पास तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है, तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो लोग कुर्बानी को सुन्नत समझते हैं तो अइमा ने लिखा है कि उस सुन्नत से मुराद सुन्नत मुअक्कदा है, यानी वो सुन्नत जो छोड़ी नहीं जाएगी। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब है, अगर वो शख्स साहिब निसाब है। अब कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होना और ज़कात के लिए साहिब निसाब होना इसमें एक फ़र्क है। ज़कात के लिए शर्त यह है कि उस शख्स पर पूरा साल गुजर जाए, यानी वो माल उसके पास मौजूद हो और उस माल पर पूरा साल गुजर जाए तब वो ज़कात देगा। अगर उस शख्स पर पूरा साल नहीं गुजर रहा है तो वो ज़कात नहीं देगा। लेकिन कुर्बानी के अंदर फुकहा ने इस बात को लिखा है कि अगर कुर्बानी से एक दिन पहले भी वो शख्स साहिब निसाब हो गया, यानी उसके पास ज़रूरत से ज़ायद माल आ गया, तो उस पर कुर्बानी अब वाजिब हो जाएगी। अब 52 तोला चांदी या सोना से आदमी ये सोचे कि मेरे पास तो 7 तोला सोना है नहीं, मेरे पास तो इतनी चांदी है नहीं, तो हमें जो निसाब निकालना है फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास सोना कितना है और चांदी कितनी है, क्योंकि चांदी की जो मकदार है, जो कीमत है, वो सोने के मुकाबले कम है। अगर हमारे पास 1 तोला 2 तोला भी सोना मौजूद है और बाकी थोड़ी बहुत चांदी है तो हम उस सोने को चांदी के वजन में ले आएंगे। जब हम सोने को चांदी के कीमत में लेकर आएंगे तो हम खुद बखुद साहिब निसाब बन जाएंगे। इस ज़माने में फी ज़माने ना अगर किसी शख्स के पास 60 से 70 हज़ार रुपये हैं मौजूद जो कि ज़रूरत से ज़ायद हो तो उस शख्स पर कुर्बानी का करना वाजिब है।
बहुत सारे लोग इस मसले को चलाते हैं जब कुर्बानी के दिन करीब होते हैं कि क्या हम कुर्बानी कर्जा लेकर कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि हाँ, कुर्बानी कर्जा लेकर की जा सकती है। क्योंकि जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं, उस माशरे में कर्ज का लेना और देना ये एक आम सी बात है। आदमी जब अपने और ज़रूरी कामों के लिए कर्जे को ले लेता है और फिर उसको हल्के हल्के अदा भी कर देता है, तो चूंकि ये एक इबादत है और ये इबादत पूरे साल आप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 3 दिन दिए हैं कुर्बानी को करने के लिए, जो कि एक अजीम इबादत है। तो अगर किसी शख्स के पास उस वक्त पैसे मौजूद ना हो और उसको ये गुमान हो कि ये पैसे मेरे पास परसों आएंगे या एक हफ्ते बाद आएंगे या एक महीने बाद आएंगे, तो वो शख्स कुर्बानी को कर्जा लेकर कर सकता है, अगर उस शख्स का कुर्बानी वाजिब हो। बहुत सारे लोग ये मसला भी पूछते हैं कि हम तो कर्जदार हैं, हमारे ऊपर इतना इतना कर्जा है, क्या हम कुर्बानी कर सकते हैं? तो मसला ये है कि जो शख्स कर्जदार है उसको देखा जाएगा कि उसके पास माल कितना है। अगर उसने उसके पास माल इतना मौजूद है कि वो साहिब निसाब है, उसके बावजूद पर भी उसके ऊपर कर्जा है, तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। कर्ज को देने की वजह से कुर्बानी उसके ऊपर से साबित नहीं होगी। कुर्बानी के एक अहम मसलों में से एक मसला ये भी है कि एक घर है जिसके अंदर 3 भाई रहते हैं, एक साथ रहते हैं। बड़ा भाई उस शख्स उस घर का जिम्मेदार है। अब वो ये चाहे कि मैं एक बकरा लेकर आऊं और वो कुर्बानी पूरे घर की तरफ से हो जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है। जैसा कि हमारे और आपके जहनों में है कि घर का जो जिम्मेदार है वो अगर कुर्बानी एक कुर्बानी कर दे तो वो सारे घर वालों के लिए काफ़ी हो जाएगी, नहीं, ये देखा जाएगा अगर तीनों भाई साहिब निसाब हैं तो फिर उन तीनों को अपनी अलग अलग कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर उनकी बीवियां साहिब निसाब हो, क्योंकि उमूमन औरतों के पास इतना सोना इतना चांदी होता है कि वो कुर्बानी के निसाब से साहिब निसाब होती हैं, लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे में कुर्बानी को लेकर हम गफलत में रहते हैं। हम ये समझते हैं कि शौहर ने अपने नाम से कुर्बानी कर दी तो बीवी की भी कुर्बानी हो गई, ये बीवी के जिम्मे से भी वो कुर्बानी ख़त्म हो गई, लेकिन मसला ये नहीं है। शौहर अगर साहिब निसाब है तो उसके लिए अलग कुर्बानी है और बीवी उसकी अगर साहिब निसाब है तो उसके लिए अलग कुर्बानी है। ये अलग बात है कि शौहर जो है वो अपनी बीवी की तरफ से भी कुर्बानी को अदा करते हैं तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी वाजिब आपकी बीवी पर भी है। तो ये याद रखना चाहिए कि जो शख्स भी घर में साहिब निसाब हो उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये तो कुर्बानी के मसाइल थे कि कुर्बानी वाजिब किस पर होती है। हर आकिल बालिग और साहिब निसाब शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई शख्स कोई बच्चा जो कि बालिग नहीं है तो उसकी तरफ से कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर हम अपने बच्चे की तरफ से भी जो कि बालिग नहीं है उसकी तरफ से भी कुर्बानी करते हैं तो वो मुस्तहब अमल होगा, ना कि उस पर वाजिब है। इसी तरीके से अगर हमने एक जानवर खरीदा और वो घर के लिए लिया हमने, अब उसमें 3 भाई हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों बराबर सराबर ही उसमें पैसे डालें तब जाके कुर्बानी जायज़ होगी। नहीं, वो घर का
जायज हो जाएगी। ये घर के लिए है। अब कुर्बानी में कौन से जानवर जायज हैं और कौन से नाजायज हैं? कुर्बानी में जिन जानवरों को हम कुर्बान कर रहे हैं उनकी उम्र कितनी हो, उनके अंदर कौन से अयूब ऐसे हैं जिनसे कुर्बानी नहीं होती। सबसे पहली चीज उम्र को ले लें। कुर्बानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान में बयान फरमाया, चार जानवरों की निशानदेही फरमाई। एक मिनल बकर यानी गाय और भैंस। चूंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर ये चीज इस चीज पर पाबंदी है, लेकिन उसके बरक्स हमें दूसरा जो काला जानवर है उसके लिए इजाजत है। तो भैंस की जो उम्र होगी वो 2 साल होगी, ऊंट की जो उम्र होगी वो 5 साल होगी, दुम्बे और भेड़ की जो उम्र होगी वो भी फुकहा ने लिखा है, दुम्बे और भेड़ की उम्र भी 1 साल लिखा है। लेकिन अगर कोई दुम्बा या भेड़ ऐसा हो जिसकी उम्र 6 महीने हो लेकिन वो अपनी जसामत के एतबार से साल का लगता हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज है। इसी तरीके से बकरा जो है उसकी उम्र 1 साल हो, इससे अगर 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी जायज नहीं होगी। हम जिस माशरे में रहते हैं हमारे मसाइल इतने पुख्ता हैं कि हम उन मसलों पे तो अमल करते हैं जो कि मसला ही नहीं है। हम जब बकरा कुर्बानी का जानवर जब लेने जाते हैं तो असल जो चीज़ है उससे हम दूर रहते हैं। मसला दांतों का नहीं है, मसला उम्र का है कि बकरे की उम्र 1 साल हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके 2 दांत हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर आदमी उसका मुँह चिढ़ता है कि दांत है ये नहीं है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जो फुकहा ने लिखा है वो दांत का नहीं लिखा, वो साल का लिखा है कि ये जानवर 1 साल का है या नहीं है। दांतों से कोई मतलब नहीं है, दांत उसके हो या ना हो, बस जिससे हम जानवर खरीद रहे हैं वो आपको यकीन दिला दे कि हाँ ये जानवर 1 साल का है तो उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, कुर्बानी उस जानवर की जायज हो जाएगी। इसी तरीके से कुर्बानी के लिए जो बकरा जो जानवर हम खरीद रहे हैं उसमें कुछ ऐब ऐसे हैं कि अगर वो ऐब पाए गए तो कुर्बानी हमारी दुरुस्त नहीं होगी। वो ऐब क्या है? पहली चीज कि कुर्बानी का जो जानवर हम खरीद रहे हो वो सारे ऐबों से सारे अयूब से पाक हो, क्योंकि जिस कुर्बानी को हम कर रहे हैं वो महज गोश्त खोरी का नाम नहीं है बल्कि एक अजीम इबादत है जिसको हम कर रहे हैं, और उसके इवज अल्लाह हमारा क्या देगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम समझ सकते हैं कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इनाम रखा है, क्या सवाब रखा है, क्या जजा रखी है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक बताया कि हमारे लिए कुर्बानी के इवज क्या इनाम है, कि जो जानवर हम कुर्बान कर रहे हैं उसके जिस्म पर जितने बाल हैं हर बाल के इवज हमारे नामे आमाल में नेकी लिखी जाएगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम जो जानवर खरीदें वो खूबसूरत भी हो, तंदुरुस्त भी हो और अयूब से पाक भी हो। ऐसा ना हो कि हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, अब उसमें हम पैसे को देख रहे हैं कि इसकी जो है इसके सींग थोड़ा कम है तो इसलिए ये सस्ता मिल जाएगा, इसकी दुम जो है वो थोड़ी कटी हुई है इसलिए ये सस्ता मिल जाएगा। अगर हमारी और आपकी ये नीयत होगी जानवर को खरीदते वक्त, तो हमें और आपको याद रखना
रखना चाहिए कि हम इसको अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं बल्कि अल्लाह के लिए खरीद रहे हैं, और अल्लाह के राह में वो चीज़ें दी जाए जो अच्छी से अच्छी हो, खूबसूरत से खूबसूरत हो। अगर अल्लाह ने हमें इस्तेदाद दी है तो ज़्यादा कीमती हो वो चीज़ अल्लाह के राह में कुर्बान करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर जानवर की जो दुम है वो कटी हुई हो तो वो जानवर कुर्बानी उस जानवर की जायज़ नहीं है। लेकिन हमें और आपको याद रखना चाहिए कि जो फुकहा ने लिखा है कि दुम कितनी कटी हुई हो, अगर किसी जानवर की दुम आधी कटी हुई हो तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कटी हुई हो तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरीके से वो जानवर जो कि नाबीना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर एक आँख सही सलामत है, एक आँख से देख सकता है और दूसरी आँख सही सलामत नहीं है तो उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरीके से सींगों का जो मसला है कि सींग नहीं है तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, हालांकि ये गलत है। असल में होता क्या है कि जो चीज़ असल होती है हम तो उससे बिला वास्ता उससे तो मुखातब नहीं होते, लेकिन जो इधर उधर से बात चलती है उसको हम मसला मान लेते हैं कि फला साहब ने बता दिया, फला साहब ने बता दिया। कुर्बानी के अय्याम जैसे ही करीब आते हैं तो सबसे बड़े जो मुफ्ती होते हैं वो जानवर बेचने वाले होते हैं या जानवर काटने वाले होते हैं, वो बहुत बढ़िया बढ़िया मसले आपको बताते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सींग का जो ताल्लुक है कुर्बानी के जानवर से, फुकहा ने ये लिखा है कि अगर जानवर पैदाइशी कोई जानवर है जो पैदाइशी तौर पर सींग से महरूम हो, यह वो जानवर जिसकी सींग टूट गई हो तो उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ है। हाँ, कोई जानवर हमने ऐसा ख़रीदा जो सही सालिम था, लेकिन जब हम गाड़ी में उसको लोड कर कर ले आए, किसी दीवार से टक्कर मारी और सींग पूरा का पूरा निकल गया, जब सींग पूरा निकलेगा तो उसके दिमाग पर भी असर होगा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। बाकी सींग टूटा हुआ हो या पैदाइशी तौर पर ना हो तब भी उस जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। इसी तरीके से साहिब निसाब हो गया, कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी हो वो भी बता दिया गया, कुर्बानी के जो जानवर हो उयूब से पाक हो वो भी बता दिया गया। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर कोई जानवर हमने मार्केट से खरीदा, मंडी से खरीदा, वो सही सालिम था और फिर उसको हम घर लेकर आए, घर लेकर आने के बाद दो दिन बाद तीन दिन के बाद उस जानवर की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसकी मौत हो जाती है। अब अगर अमीर शख्स है तो उसके जिम्मे दूसरी कुर्बानी करना वाजिब है। ये ना सोचे कि मैं ये जानवर लाया था ये ख़त्म हो गया अब मेरा काम हो गया कुर्बानी का, नहीं, दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरीके से गरीब के लिए भी यही मसला है कि अगर अय्याम कुर्बानी से पहले वो जानवर फौत हो जाता है तो फिर दूसरे जानवर को लाकर उसकी कुर्बानी देनी होगी। इसी तरीके से किसी शख्स ने बकरईद से पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले कोई जानवर खरीदा, और जानवर जब खरीदा और फिर उसको घर लाए तो बेगम ने फिर उस पर बताया कि ये तो जानवर बहुत लागर है, बहुत कमज़ोर है। अब हमारे दिल में ये उमंग पैदा हुई कि मेरे पड़ोसी का जानवर तो बहुत मजबूत है लेकिन मेरा जो जानवर है वो कमज़ोर है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस जानवर को बेच दूं और इस जानवर को बेचने के बाद मैं दूसरा मजबूत जानवर खरीद लूं। तो हमें और आपको ये याद रखना चाहिए, मिसाल के तौर पर हमने 20,000 रुपये का कोई बकरा ख़रीदा, 20,000 रुपये का बकरा ख़रीदने के बाद जब हम उसको मार्केट में ले गए और उसको हमने फरोख्त
किया तो हो सकता है पहले हमने सस्ता ले लिया हो, तो वो अगर हमने 20,000 का खरीदा हुआ बकरा 25,000 में फरोख्त कर दिया, अब 25,000 रुपए का फरोख्त करके हमने दूसरा जो बकरा खरीदा वो 21,000 का खरीद लिया, तो हमारे पास 4,000 रुपए बचे जो कि प्रॉफिट बना। अगर हम ये चाहे कि उन 4,000 रुपए का इस्तेमाल हम खुद करें तो ये जायज नहीं है, बल्कि या तो उससे और पैसे लगाकर और अच्छा जानवर खरीद लें, या जो पैसे बच रहे हैं प्रॉफिट के वो आपको सदका करना पड़ेगा, ना कि आप अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ये कुर्बानी के कुछ मसाइल थे जो कि पहले ही इन मसलों का जानना ज़रूरी है कि हम कुर्बानी का जो जानवर खरीद रहे हों वो कैसा हो और किन जानवरों की कुर्बानी हम कर सकते हैं और किन जानवरों की कुर्बानी हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई जॉइंट फैमिली है, 5 लोग 6 लोग अगर हम रहते हैं उसके अंदर, और हम ये चाहे हमारा इखलास है या हमारी नीयत है कि हमारे दादा जिंदा हैं या हमारे अब्बा जिंदा हैं, तो बेटा अगर ये चाहे कि पहले मैं दादा की तरफ से कुर्बानी कर दूँ या अब्बू की तरफ से कुर्बानी कर दूँ, अगर उसकी इतनी इस्तेदाद है कि वो दादा की भी कुर्बानी कर ले, अपने अब्बा की भी कर ले और अपनी भी कर ले, तो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर वो चाहे कि अपनी जगह अपने अब्बा के नाम से कुर्बानी कर दे और अपने नाम से ना करे, तो ये ठीक नहीं है, बल्कि वाजिब जो चीज़ है उसको हमें पहले करना पड़ेगा। यानी मेरे ऊपर वाजिब है तो सबसे पहली चीज़ मैं अपने नाम से करूँ, फिर अल्लाह ने आपको इतनी इस्तेदाद दी है कि हम अपने वालिद की तरफ से, अपने दादा की तरफ से, अपनी दादी की तरफ से, सारे सब सबकी तरफ से करें आप। लेकिन पहली जो चीज़ है वो आपके लिए है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं खुश फहमी में कि वालिद साहब की तरफ से कर दी लेकिन अपनी तरफ से महरूम हो गए। तो हमें और आपको याद रखना चाहिए कि जिस शख्स पर वाजिब है पहले उसको अदा किया जाए। इसी तरीके से मरहूमीन की तरफ से, यानी वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या उनके नाम से कुर्बानी कर सकते हैं? ये भी बहुत मसला चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कर सकते, बहुत सारे कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हदीस जो बयान फरमाती है, हदीस में जो है कि अपने मरहूमीन की तरफ से हम कुर्बानी कर सकते हैं, अपने मरहूमीन की तरफ से हम कुर्बानी कर सकते हैं, और जो उस कुर्बानी का गोश्त है उसको खा भी सकते हैं। कुर्बानी तो असल आपने की, लेकिन उसका सवाब आपके मरहूमीन तक अल्लाह देगा। तो ये कुर्बानी के कुछ अहम मसाइल थे। इसी तरीके से हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, चूँकि हमें और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जहन नशील होना चाहिए कि ये जो कुर्बानी का अमल है ये एक इबादत है, और ये इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंदीदा ये इबादत है कि अल्लाह ने ये फरमा दिया कि इन 3 दिनों के अंदर अगर कोई भी शख्स कुछ भी कर ले कुर्बानी के अलावा तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। अगर पसंद है तो वो कुर्बानी का अमल है। तो इसलिए हमें और आपको याद रखना चाहिए कि हम ये जो कुर्बानी देने जा रहे हैं ये एक अजीम इबादत है जिससे हमारा अल्लाह हमसे बहुत खुश होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस कुर्बानी के पीछे हमारा इखलास भी होना चाहिए, हमारी नेक नियति भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जानवर खरीदा लोगों की रियाकारी के लिए, हमने महंगा जानवर खरीदा, खूबसूरत जानवर खरीदा लोगों की रियाकारी के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए कि मेरा बकरा इतना भारी, मेरा पट्टा इतना भारी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हदीस है कि पुल सिरात पर ये जानवर तुम्हें पुल सिरात को पार लगाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। अगर हमने इखलास के साथ, नेक नियति के साथ, अगर एक मामूली सा बकरा 10,000 का, 15,000 का, लेकिन इखलास के साथ अगर अल्लाह की राह में कुर्बान किया, तो अल्लाह उस
सच्चे बकरे के अंदर इतनी कल कयामत के दिन इतनी ताकत रखेगा कि आपको वो पार करा दे। लेकिन अगर हमारे अंदर इखलास नहीं होगा, हमारे दिल में नेक नियति का नाम नहीं होगा, तो वो जानवर हम कितना भी महंगा खरीद लें, कितना भी ऊंचा खरीद लें, लेकिन वो कुर्बानी महज दुनिया के नाम पर कुर्बानी होगी, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी नहीं होगी। इसीलिए फुकहा ने इस बात को लिखा है कि वो जानवर जो हम कुर्बानी के नाम पर मार्केट से लेकर आ रहे हैं, होता है ना कि भाई मुफ्ती साहब बकरा कितने का खरीदा, मुफ्ती साहब ने खरीदा 15,000 का, बता दे 20,000 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आदमी यही तो कहेगा अच्छा 20,000 का बकरा, लेकिन धोखा किसको दे रहे हैं हम किस लिए जानवर लेकर आए। तो ये होता है कि आदमी खरीदता कम का है, बकर ज्यादा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अव्वलन तो फुकहा ने इस बात को लिखा है कि अगर कोई शख्स सवाल भी करे तो उसको टालने की कोशिश की जाए, उसको ऐसे जवाब दिए जाएं कि बस अल्लाह ने खरीदवा दिया, खरीद दिया। ये ना बताएं, उसको ये ना दिखलाएं इतने का लिया, इतने का लिया, नहीं, इससे मना फरमाया है। हम अपनी कुर्बानी को खूबसूरत कुर्बानी बनाएं, इखलास के साथ कुर्बानी देने वाले बने और नेक नियति के साथ कुर्बानी देने वाले बने। सबसे आखिर में एक मसला और बता दूं, चूंकि आज कल मुआशरे में सबसे ज्यादा है वो चीज हिस्सादारी, कि जिस तरीके से हम हिस्सा डालते हैं, कि बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ हिस्सा डाला जाता है, हमारे यहाँ हिस्सा डाला जाता है, फुकहा ने इस चीज को जायज करार दिया है, लेकिन उसमें कुछ शराइतें भी मौजूद हैं। क्योंकि बताना मकसद है, अमल करना आपकी जिम्मेदारी है, कि जो हिस्से आप डाल रहे हैं, जहां भी डाल रहे हैं, कोई मुकय्यद नहीं है कहां डालना है कहां नहीं डालना है, लेकिन जो फुकहा ने लाइन लिखी है उसको बताना मकसद है। हम हिस्से को डालने के बाद अपनी जिम्मेदारी को वहीं पर खत्म ना समझें कि मैंने हिस्सा डाल दिया, हो गई मेरी कुर्बानी, वो तकसीम करवा देना, गरीबों को दे देना, नहीं, कोशिश ये करें, क्योंकि ये 3 दिन अल्लाह की तरफ से मेजबानी है, कोशिश करें जो हिस्सा हम डाल रहे हैं भाई पूरा नहीं तो कम से कम आधा किलो 1 किलो कम से कम ले अपने घर, उस गोश्त को लेकर आए, वो बरकत वाला गोश्त है। और ये भी कोशिश हो कि वो जानवर जो ज़बह हो रहा है जिसमें हमारा हिस्सा है वो हमारे सामने हो, ना कि फोन पे ही वाईफाई से कुर्बानी हो रही है, नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये कुर्बानी को हम समझें कि ये इबादत है, कोई वो खाने का नाम नहीं है। अगर इबादत को हम समझेंगे कि ये इबादत है, इसकी जजा और सजा कौन देगा, तो हमारी समझ में कुर्बानी आएगी। इसलिए अपने हिस्से को वही डालें जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, और आपका उस पर यकीन हो कि हाँ ये हमारी कुर्बानी सही करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको कर भी रहे होंगे। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस इबादत में कोई कमी और कोताही ना रहे हमारी तरफ से या करने वालों की तरफ से, तो वो चीज़ें करें जो हदीस और कुरान में है, यानी इखलास के साथ, नेक नियति के साथ, और अल्लाह ने जिस तरीके से कुर्बानी देने का जो तरीका बताया है उसी के अंदर रहकर उस कुर्बानी को हम अदा करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक।